विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी विषयांक 17 कसोटी पुनरावर्तन विभाग ए गद्य विभाग। इसमें प्रश्न नंबर 1 अ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए प्रत्येक के एक गुण। तो पहला रिक्त स्थान जो है वो हर व्यक्ति को खाली जगह की दृष्टि से देखा जा रहा है। विद्यार्थी मित्रों, तुम्हारे खाली जगह ने बराबर वाँचवानी समझवानी अने खाली जगह ने अंदर तुम्हारे जवाब लखवानो छे। तुम्हें जब खाली जगह लखो छो त्यारे खाली जगह आखी लख्या पछी ज एनो जवाब लखवानो, एटला जवाब लखवाना नथी। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। दूसरी महासागर की डरावनी खाली जगह थपेड़े मारने लगती है। तो महासागर की डरावनी कौन सा शब्द आएगा? सरस। कौन सा आएगा? लहरें शब्द आएगा। तो महासागर की डरावनी लहरें थपड़े मारने लगती है। तीसरा कौन कहता है कि हम खाली जगह में डूब गए हैं? सबका उत्तर आएगा विलासिता। अपराध मानते थे। तो कौन सा उत्तर आएगा?
वाक्य अधूरू मूकेलू अपरिचित सा लगता है, पराया सा लगता है, सुनसान सा लगता है। कौन सा विकल्प आएगा? अ ब क। तो इसमें से अ आएगा। परिचित होकर भी गुलमर्ग सदा अपरिचित सा लगता है। अगला विकल्प, लेखक वर्षा की घटा से दिल नहीं पाया क्योंकि वह उसे देखकर डर गया था, घटा अगले ही बरसने लगी थी। और तीसरा विकल्प क्या है? तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। तो कौन सा विकल्प आएगा? सरस। लेखक वर्षा की घटा से दिल नहीं पाया क्योंकि तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। अगला विकल्प, हैजे के रोगी की सेवा के प्रश्न पर मनमोहन चुप रहा। वाक्य अधूरू है। तो पहला विकल्प, उसने उस बीमारी का नाम ही नहीं सुना था। दूसरा विकल्प, इस बस्ती में कभी यहाँ ऐसे बीमारी नहीं हुई थी। और तीसरा विकल्प, इस बीमारी के नाम से ही उसे डर लगता था। तो कौन सा विकल्प आएगा विद्यार्थी मित्रों? सरस। कौन सा आएगा? तो इस बीमारी के नाम से ही उसे डर लगता था। अगला विकल्प, बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा क्योंकि निदान अधूरू छे। आपने जवाब सोपवाड़ो छे। उसमें लिखी दवाओं की सूची बहुत लंबी थी। दूसरा विकल्प जो है, उसने उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ। और तीसरा जो है, उसमें लिखी सभी दवाएं बहुत कड़वी थी। तो कौन सा विकल्प आएगा? तो बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा क्योंकि उसमें उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ। चौथा विकल्प, प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गए क्योंकि वह अस्वस्थ हो गया था, रास्ते में उसे डर लगता था, वह रास्ता उसके लिए अनजाना था। कौन सा विकल्प आएगा? रास्ते में उसे डर लगता था। सातवां विकल्प, जूही तात्या को पछि विधान अधूरू छे। पाताल से खींच कर ला सकती है, स्वर्ग से खींच कर ला सकती है, कहाँ से भी खींच कर ला सकती है। तो जूही तात्या को कहाँ से? पाताल से खींच कर ला सकती है। आठवां विकल्प प्रश्न, जूही देश के लिए पछि विधान अधूरू मुकेलू छे। त्रण विकल्प जोईए, सरदार को ठुकरा सकती है, पिता को ठुकरा सकती है और सभी को ठुकरा सकती है। तो आठना आधार आप जवाब आपना है। तो जूही देश के लिए सरदार को ठुकरा सकती है। तो हवे प्रश्न नंबर एक, क विभाग निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, प्रत्येक के एक गुण। तो पहला प्रश्न है, पक्षी को गोली किसने मारी थी? तो पहला प्रश्न, पक्षी की गोली किसने मारी थी? तो पक्षी
की थी। और क्या प्रश्न, जूही देश के लिए किसको टुकड़ा सकती है? जूही देश के लिए सरदार को यानी कि तात्या को भी टुकड़ा सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर एक विभाग एक में आपने बहुत सरस रीते समझिया अ ब अने क विभाग ने, तो बराबर एनु वाचन करजो। अने आज रीतना प्रश्न बीजा पण जे छे एक वाक्य में जवाब आपो, विकल्प पूर्ण करो, खाली जगह पूरो, तेने सरस रीते वाचता रहेजो। थैंक यू।